देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर, जहां उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद हरियाली तीज के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। पहले तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से दूरी बनाए रखे और केवल पूजा अर्चना की और बात करने लगे, लेकिन जब मीडिया ने बार बार डिप्टी सीएम ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा कि बांके बिहारी के दरबार में उनकी कृपा जब से हुई है आना जाना रहता है, देश में खुशहाली रहे इसकी प्रार्थना की, देश का प्रदेश का कल्याण हो। वहीं जब रामपुर में आजम कहाँ कार्रवाई पर सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम ने कहा, मंदिर में अगर आप राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि रामपुर में जो कार्रवाई हो रही है पुलिस और कानून अपना काम कर रहे हैं और जो गलत करेगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसमें किसी को कोई सवाल उठाने का सवाल नहीं है, जो भी सदस्य गलत करेगा उसके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव मामले पर विपक्ष द्वारा सरकार को गिरने पर डिप्टी सीएम ने कहा, उन्नाव मामले में कठोर कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है, भाजपा से विधायक को निलंबित कर दिया गया है, पूरी घटना का खुलासा होगा और जो भी दोषी होंगे कठोर कार्रवाई होगी, कार्रवाई दल जाति और जिला देख कर नहीं की जाती। आज भगवान बांके बिहारी जी के दरबार में जब से उनकी कृपा हुई आने का प्रयास लगातार रहता है, आज उनकी कृपा हुई आज फिर से दर्शन दिया है, हमारे प्रदेश का पूरी तरह से देश का कल्याण हो, विकास हो, खुशहाली रहे चारों तरफ, यही भगवान से प्रार्थना है। आज सभा रामपुर पर लोग प्रदर्शन कर रही है, राजनीतिक अब चुकी मंदिर में सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी और पुलिस और प्रशासन कानून सम्मत अपनी कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है कि उसमें किसी को कोई सवाल उठाने का विषय नहीं है कि यह कोई सवाल है, अगर आप मैं या अन्य कोई सदस्य इस प्रकार के कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो आज रामपुर में आप कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।